नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपके साथ ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, आज रविवार का दिन है, होलीडे का दिन है, लेकिन आप ये ना सोचिएगा कि आज आप कोई कार्य नहीं करेंगे। आज ज्योतिष गुरु के अनुसार कुछ ऐसे महा उपाय आपके साथ साझा किए जाएंगे जो आपका कितना भी बिगड़ा हुआ काम क्यों ना हो, इस रविवार के दिन उस उपाय को अपनाने से 100% आपको लाभ हो सकता है। पूरे उपाय के अंदर आपको श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना होगा। दैनिक राशिफल की चर्चा के अनुसार कौन सा रंग आपके लिए बेहतर है वो भी आपको मैं बताने वाला हूं, लेकिन शुरुआत करते हैं हर दिन की तरह आज भी दिव्य महामंत्र से। ओम क्रीम नमः। आज के दिन इस महामंत्र का 108 बार जाप करने से भगवती का परम आशीर्वाद आपको मिल सकता है। अगर आपके मन में कोई डर है, कोई भय है, या आप किसी व्यक्ति विशेष से बहुत डरते हैं, तो इस महामंत्र का जाप जरूर करिएगा, भरपूर लाभ होगा। आगे की ओर बढ़ते हुए अवगत करा देते हैं आज के शुभ समय से। मित्रों, दोपहर 3 से 4:30 के मध्य यह समय रहेगा। इस दौरान किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलना है तो आप जा सकते हैं। आपका बिगड़ा हुआ कार्य बनने का प्रबल योग है। ठीक इसके विपरीत होगा राहु काल, जिससे आपको बचना है। शाम 4:30 से 6 के मध्य यह समय है। इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को ना करिएगा, किसी नए कार्य की शुरुआत ना करिएगा, वरना नुकसान हो सकता है। विषय की ओर आते हुए आपको बताते हैं मित्रों कि रविवार के दिन की महत्ता क्या है, क्यों इतना दिन महत्वपूर्ण माना जाता है रविवार का, तो जानते हैं। देखिए, विशेष तौर पर रविवार का जो दिन है वो भगवान सूर्य को समर्पित है। सूर्य को नवग्रहों में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है, ये आप जानते हैं। कुंडली में सूर्य को पिता, सेहत, मान सम्मान, आंखों के साथ ही हड्डियों का कारक भी कहा गया है। कुंडली के पीड़ित और कमजोर सूर्य को मजबूत करने के लिए रविवार का दिन सर्वोत्तम माना जाता है। रविवार का दिन सबसे महत्वपूर्ण और अच्छा माना जाता है। इसीलिए रविवार के दिन सूर्य की उपासना की जाती है, पूजा की जाती है, मंत्र जाप या फिर अनुष्ठान भी किया जाता है। ऐसा करने से कुंडली का कमजोर सूर्य मजबूत होता है, आपको शुभ परिणाम मिलता है, समाज में आपका सम्मान तो बढ़ता ही है, आपको अच्छी सेहत का महावरदान भी भगवान सूर्य नारायण अपने परम आशीर्वाद से दे ही देते हैं। लेकिन अगर आपको शुभता चाहिए तो आप भगवान सूर्य की उपासना प्रतिदिन सुबह के समय करना शुरू कर दीजिए। प्रातःकाल उठिए, सूर्य नमस्कार करिए और हो सके तो सूर्य के 12 नामों का जाप करना शुरू कर दीजिए। मित्रों, हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि रविवार का दिन अवकाश का दिन, आपकी छुट्टी होगी, आप आराम कर रहे होंगे, लेकिन यही रविवार का दिन आपकी किस्मत चमका सकता है। यही रविवार का दिन आपको अच्छी सेहत भी प्रदान कर सकता है। कौन कौन से महा उपाय आज रविवार के दिन करने से आपके बिगड़े हुए कार्य भी बनेंगे और कर्ज की समस्या भी बिल्कुल दूर हो जाएगी, तो शुरुआत कर लेते हैं इन उपायों को लेकर। आप नोट कर लीजिए, रविवार के दिन सुबह के समय आप जल्दी उठें, स्नान करें, विशेष तौर पर काले नीले रंग के कपड़े ना पहनें, हो सके तो ब्राइट कलर के कपड़े पहनें, हल्के गुलाबी, क्रीम कलर के, पीले रंग के कपड़े आप पहन सकते हैं। तांबे के लोटे में जल भर लीजिए, 2 चुटकी रोली डालिए, 5-7 साबुत चावल डाल दीजिए। ये सारी सामग्री, ये जल भगवान सूर्य को आप अर्पित करेंगे। ऐसा करने से आपका करियर सफल होगा, करियर में सफलता के उच्चतम योग बनेंगे। अगर आप करियर में सफल भी हैं तो आगे आपका प्रमोशन होने का योग बनेगा और समाज में आपको मान सम्मान की भरपूर प्राप्ति होगी। रविवार के दिन अपने घर की पूर्व दिशा में, यानी कि ईस्ट साइड, तांबे का एक अभिमंत्रित सूर्य यंत्र किसी योग्य विद्वान की सलाह ले लीजिए। विधि विधान से आप इसे स्थापित करवा सकते हैं। चाहे अगर आप ये विधि जानते हैं तो आप इस स्वयं भी इस स्थापना को कर सकते हैं। भगवान सूर्य नारायण की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए जरूरतमंद लोगों को गेहूं, गुड़,
लाल मसूर की दाल और तांबे का बर्तन दान कर दीजिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी, आपका हर कार्य सफल होगा, बिगड़े हुए कार्य आपके बनने लगेंगे सिर्फ ये छोटा सा उपाय करने के बाद। मित्रों, आपकी मेहनत के बाद, भरसक प्रयास करने के बाद अगर आपके घर में धन की कमी है, बिल्कुल ना घबराइए, एक छोटा सा उपाय रविवार के दिन भी करके देखिए। रविवार के दिन सुबह के समय अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर लाल चंदन में गंगा जल मिलाकर आप स्वस्तिक बना दीजिए, यानी कि लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। अब घी के दो दीपक लेफ्ट साइड और राइट साइड अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर जलाने हैं और भगवती लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है अपने घर में आगमन की। तो भगवती बहुत कृपालु हैं, आपके घर में उनका आगमन अवश्य होगा, लेकिन ये उपाय आज ही आपको करना है। और आपने उस धन की कमी को पूरा करने के लिए कहीं से कर्ज ले लिया है, तो भाई कर्ज भी एक ऐसा भंवर जाल है कि आप इसके जाल से छूट नहीं सकते। एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज, दूसरे कर्ज को चुकाने के लिए तीसरा कर्ज। अगर ये कर्ज की समस्या बढ़ चुकी है तो रविवार के दिन गेहूं के आटे की 108 गोलियां आटे में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर बना लीजिए और सूर्यास्त होने से पहले आप ये 108 गोलियां भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करके मछलियों को खिला दीजिए। आज के दिन इस उपाय को करके देखिए, आपके कर्ज की समस्या भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। मित्रों, लंबे समय से अगर आप दवाओं का सेवन कर रहे हैं, आप अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, मन में हताशा और निराशा बैठ चुकी है, घर कर चुकी है, बिल्कुल ना घबराइए। अगर आप बीमार हैं तो सुबह नवोदित सूर्य की रोशनी में आपको अवश्य बैठना है, वहां पर कुछ देर बैठिए, आराम करिए, ओम मंत्र का कुछ देर आप उच्चारण करके देखिए, देखिए कितनी जल्दी आपकी सेहत अच्छी हो जाती है, मन की निराशा खत्म हो जाएगी, कहीं ना कहीं डिप्रेशन या मानसिक तनाव भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो मित्रों, आज के विषय में इतना ही, फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।